राम मंदिरर इटा उपरे कुकुर करंती परिश्रा। कांग्रेस नेतांक विवादीय वक्तव्य परे बर्सिले हार्दिक पटेल, कहिले प्रभु श्रीरामक सह एते शत्रुता काहिकी, हिंदूंक प्रति एते घृणा काहिकी। गुजरात विधानसभा निर्वाचनर किछि दिन पूर्वरु कांग्रेस दलरु इस्तफा देइथिबा हार्दिक पटेल पुणी थरे कांग्रेस उपरे बर्सिछंती। से लगातार भावे सीरीज ट्वीट करि कांग्रेस दलर हिंदूमानक विरुद्धरे घृणा संपर्करे प्रश्न करिछंती। से ट्वीट करि कहिछंती जे मु प्रथमरु कहिसारिछि कांग्रेस पार्टी सबुबेले जनसाधारणकर धार्मिक भावनाकु आघात देबाकु प्रयास करिआसिछि, सबुबेले हिंदूमानकर आस्था उपरे कुठारघात करिबार चेष्टा करिआसिछि। आजि जणे केन्द्रीय मंत्री ओ गुजरात कांग्रेसर जणे नेता वक्तव्य देइछंती जे राम मंदिरर इटागुडिक उपरे कुकुर परिश्रा करिथांती। तो कई लोग ये समझते थे कि ये हार्दिक भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है, इसीलिए अपने स्टेटमेंट में, अपने लेटर में, अपने इस्तीफे में ये बात लिखी। लेकिन आज ये बात साबित हो गई है कि जिस तरह से गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने बात रखी कि राम मंदिर की ईंटों पे कुत्ते जाके पेशाब करते थे, उसका मतलब ये हो गया कि मैंने जो भी बात मेरे इस्तीफे में लिखी थी वो पूरी सच लिखी थी। गुजरात कांग्रेस का एक भी नेता जनता की भावनाओं को समझने का प्रयास ही नहीं करता। एहा परे से अन्य एक ट्वीट रे कहिछंती जे मु कांग्रेस ओ तारो नेता मानको पचारीबा को चाहुची जे भगवान रामक सह आपणकर कोन शत्रुता रहिछि, हिंदू मानक प्रति आपण मानक मनरे एते घृणा काहेकि, सह सह वर्ष धरि अयोध्या रे प्रभु श्री रामक जन्मभूमि रे राम मंदिर तयारी हेउछि, एहा सत्वे कांग्रेस नेता माने भगवान श्री रामक विरुद्ध रे ओलटा पालटा वक्तव्य देबारे लागिछंती। ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ସେ କେଉଁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଗତ 18 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପଟେଲ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଓ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏକ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୁଜରାଟରେ କେବଳ ସେ ନୁହେଁ, ଅନେକ ନେତା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୁଜରାଟର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ହେଲେ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଏ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କର ଖାତିରଦାରୀରେ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଚିକେନ୍ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଆସିବ, କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ, ସେ ନେଇ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବାର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, Argus News।